हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास थ्री वन टैक तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है और आप अपने मोबाइल से ही अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए पर आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती या फिर आपका कोई गेमिंग चैनल है जिसके लिए आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताऊँगा जिसको यूज़ करके आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को प्रोफेशनली तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रोफेशनल वीडियो आप उससे बना सकते हैं जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी तो मैं इस वीडियो में आपको उस स्क्रीन रिकॉर्डर की सारी फीचर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इसके अंदर सबसे पहले आपको ये प्ले स्टोर के अंदर जाना है इसके बाद यहां पे आपको टाइप करना है एक्स रिकॉर्डर रिकॉर्डर लिख के आपको सर्च कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही आ जाएगा ये एप्लीकेशन स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर तो अब यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ आपको भी ओपन कर लेना है यहाँ से ऐड को कट कर देना है तो इसमें स्टार्टिंग में परमीशन मांगता है जब पहली बार आप डालेंगे तो आपको वहाँ परमिशन अलाउ कर देनी है इसकी ठीक है उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है यहाँ पे आपकी सारी वीडियोस यहाँ पे आ चुकी हैं जैसे जो भी आप यहाँ पे वीडियो क्रिएट करेंगे इससे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी सारी की सारी उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे फोटो का है जो भी आप इससे फोटो लेंगे स्क्रीन तो लेंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा ठीक है उसके बाद इसमें थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एडिट का है यहाँ से आप एडिट वीडियो के अंदर जाके किसी भी वीडियो में अपनी एडिट कर सकते हैं एडिट फोटो कर सकते हैं मर्ज कर सकते हैं फोटो और वीडियो को वीडियो कंप्रेस कर सकते हैं ऑल वीडियो डाउनलोडर भी है यहाँ पे ये तो एड्स से इसको यूज़ नहीं कर सकते प्रो में है ये ठीक है ये तीन ऑप्शन है इसमें ऊपर के उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें है ये सेटिंग का ऑप्शन है इसमें इसकी सारी फीचर्स हैं सेटिंग्स हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ सबसे पहले इसमें आता है रिकॉर्ड ऑडियो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन हैं म्यूट और माइक्रोफोन अगर आप इसे म्यूट रखेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो तो रिकॉर्ड होगी पर उसके अंदर कोई वॉइस नहीं आएगी मतलब वो साइलेंट वीडियो बन जाएगी आपकी अगर आप वैसे करना चाहते हैं साइलेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसे म्यूट पे रखेंगे अदरवाइज़ आपको इसे माइक्रोफोन पे रखना है इसमें आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड होगी और स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगी तो मैंने माइक्रोफोन पे ही रखा हुआ है इसे यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे मैंने यही सिलेक्ट कर रखा है उसके बाद ये रिजोल्यूशन का ऑप्शन है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये अभी नहीं हो रहा क्योंकि मैं इसी से वीडियो बना रहा हूँ ये आपको सिखाने के लिए इसलिए लेकिन आप जब इस पर क्लिक करेंगे रिजोल्यूशन के ऊपर तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे 1000 मेगापिक्सल 1080 मेगापिक्सल 720 ठीक है 144 तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे रिजोल्यूशन के साइज़ इसमें मिलेंगे जिसमें से आपको मैं सजेस्ट करूँगा सेवन ट्वेंटी पिक्सल ही रखें वैसे अगर आपको हाई रेजोल्यूशन रखना है इससे भी ज़्यादा तो एक हज़ार अस्सी आप सेलेक्ट कर लें पर इसमें भी काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है उसके बाद ये क्वालिटी का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये भी अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे क्वालिटी के ऊपर तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे एट एम बी पी एस नाइन एम बी पी एस दस बीस इस तरीके के ऑप्शन होंगे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एट एम बी पी एस रखें उसको ठीक है उसके बाद एफ पी एस है इसे आपको ऑटो ही रखना है ओरिएंटेशन को भी आपको ऑटो ही रखना है ओरिएंटेशन का मतलब है कि जब भी आप अपनी फ़ोन लैंडस्केप हो या पोर्टेबल वो साइज़ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने इसे ऑटो ही रखा हुआ है क्योंकि अगर आपको जैसे काइन मास्टर में बनानी है कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए स्क्रीन लैंडस्केप हो जाती है ऑटोमेटिक तो इसलिए हम इसे ऑटो ही रखेंगे ताकि ये कैसी भी स्क्रीन हो उसे रिकॉर्ड करें उसके बाद एफ़ जो ये है ऊपर वाला इसका मतलब है आपकी वीडियो जो है वो तो स्मूथर बनेगी पर ये मोरो यूज़ करता है यू पी का तो इसलिए हम इसे ऑटो में ही रखेंगे उसके तो बाद यहाँ पे सेव लोकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको सेव करने की लोकेशन दे सकते हैं इस पर क्लिक करके उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे कंट्रोल सेटिंग है इसकी सारी जिसमें सबसे पहले है रिकॉर्डिंग मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड और परफॉर्मेंस मोड दो तरह के मोड इसमें दिए गए हैं अगर आप नॉर्मल मोड लेते हैं तो उसमें आपको फंक्शंस तो अनलिमिटेड मिलेंगे और कॉमन रिकॉर्ड भी होगी सुटेबल पर उसमें क्रैशेज और लैगिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जैसे आपकी चलती चलती रिकॉर्ड करती हुई वीडियो बीच में रुक जाएगी या क्रैश हो जाती है ऑटोमेटिक तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप परफॉर्मेंस मोड पर ही रखें क्योंकि परफॉर्मेंस मोड में आपके लिमिटेड फंक्शंस ज़रूर होते हैं पर वो स्टेबल होते हैं क्रैश और लैग की प्रॉब्लम उसमें नहीं आती तो आप इसे ही रखें मैंने यही सिलेक्ट किया हुआ है ठीक है उसके बाद इसमें काउंट है बिफोर स्टार्ट तो जैसे काउंट डाउन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं थ्री सेकंड का रखना चाहते हैं फाइव सेकंड का रखना चाहते हैं या टेन सेकंड का मतलब जब आप इस पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें तीन सेकंड रखेंगे तो तीन सेकंड का काउंट डाउन आएगा उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं मैंने तीन सेकंड का ही रखा हुआ है इसे कैंसिल कर देंगे उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीन मतलब स्क्रीन लेने के बाद आपकी विंडो पॉप अप करेगी तो ये वो ऑप्शन है इसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करते टाइम आपकी रिकॉर्ड वाली विंडो हाइड रहे जैसे मेरी अभी इसमें हाइड है क्योंकि मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है उसके बाद इसमें शेक फ़ोन टू तो स्टॉप रिकॉर्डिंग मतलब आप अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए अपने फ़ोन को शेक करेंगे तो वो रुक जाएगी अगर आप इसे सेलेक्ट कर देंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे ऐसे ही रहने दें ऐसे ना करें कीप रिकॉर्डिंग वैन स्क्रीन इज ऑफ मतलब आपकी स्क्रीन अगर ऑफ़ है तब भी आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो चलती रहेगी अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे सिलेक्ट ना करें उसके बाद टूल्स का ऑप्शन है इसमें स्क्रीन है कैमरा है ब्रश है तो मैं सबसे पहले स्क्रीन के बारे में बताता हूँ इसमें इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन कैमरे का ऑप्शन बन के आ गया एक तरीके से जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट आपने देखा अभी स्क्रीनशॉट हो गया ये ठीक है सेव हो गया ये ऑटोमेटिक तो इस तरीके से ये स्क्रीन शॉट वर्क करता है उसके बाद अगर आप अपनी वीडियो में कैमरा यूज़ करना चाहते हैं मतलब आप फेस कैम वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा फ़ेस इसके अंदर आ गया है तो इस तरीके से आप फेस कैम वीडियो भी इससे बना सकते हैं उसके बाद ब्रश है ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर ये मीनू है इसका ये देख सकते हैं नीचे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए सबसे पहले ये ब्रश है कुछ भी ब्रश कर सकते हैं आप उसके बाद ये रेक्टेंगल है उसके बाद ये सर्कल है कहीं आपको कुछ हाईलाइट करना हो या कुछ कहीं पे भी यूज़ करना हो सिंबल, एरो है कैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप उसके बाद इसमें आए नीचे कलर भी है अगर आपको कोई और कलर रखना है एरो का ये देखिए ये सर्कल का है, किसी भी चीज़ का नीचे से कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से इसे अंडो कर सकते हैं सारी चीज़ों को ये रबड़ है इससे मिटा सकते हैं आप जैसे अपने ये इस तरीके से ठीक है ये भी यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है जैसे इस पर क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट हो गया ठीक है उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ब्रश को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं ये ब्रश का यूज़ हो गया इसके अंदर तो ये सारे फंक्शन हैं इसके अंदर और तो कुछ खास नहीं है बस यही सारे फंक्शन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अपनी वीडियो को बनाते टाइम तो इस चीज़ों का आपको इस ये सारे फंक्शन हैं काफ़ी अच्छी फीचर्स हैं इसकी तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को एक प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं हाई क्वालिटी के साथ तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने सीख लिया होगा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को प्रोफेशनली कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू